नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सोराइटिक अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि सोराइटिक अर्थराइटिस क्या है, ये होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं और साथ ही इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको डायग्नोस करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस होता क्या है। जैसा कि आप इसके नाम में देख रहे हैं, सोराइटिक अर्थराइटिस यानी दो डिजीज को एक साथ मिला दिया है, पहली डिजीज सोराइसिस, दूसरी अर्थराइटिस। और जैसा कि इसका नाम है सोराइटिक अर्थराइटिस, यानी जैसे नाम की प्लेसमेंट में अगर हम देखें पहले सोराइसिस आ रहा है, उसी तरीके से आपकी ये डिजीज भी होती है, यानी पहले आपको सोराइसिस होगा। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी जो स्किन सेल्स होती हैं उनके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर आपको डेड स्किन सेल्स देखने को मिलते हैं। उनमें बहुत खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और कई बार ये खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लीडिंग भी हो जाती है। और जब इस बीमारी को 5-10 साल तक अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, इग्नोर करने लग जाते हैं पेशेंट, या फिर कोई गलत ट्रीटमेंट ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी ये बीमारी 5-10 साल में अब तक ठीक ही नहीं हुई, तो इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स के नेल में भी सोराइसिस आ जाता है, जिसे नेल सोराइसिस बोलने लग जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके नेल्स की पपड़ी बनने लग जाती है, उसके अंदर डेड स्किन सेल्स बनने लग जाते हैं और आपके नेल्स बहुत ही इरिटेटिंग लगने लगते हैं, देखने में भी बड़े अजीब लगते हैं और आपको भी इनमें बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जब आपको नेल सोराइसिस भी हो चुका होता है तो आपका ये सोराइसिस आपके जॉइंट्स का शिकार बना लेता है, यानी अगर आपके इन छोटे छोटे जॉइंट्स पर आपको सोराइसिस है या इसके आसपास है, तो ये 5-10 साल के अंदर आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट में भी दिक्कत बना देता है, जिसकी वजह से आपको आपके जॉइंट्स में लाली देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है, यानी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, अकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब आप सोराइटिक अर्थराइटिस की सिचुएशन पे आ जाते हैं तो आपकी ये बीमारी एक्सपेंसिव बन जाती है। रीज़न, क्योंकि अब इसको ठीक करने की ड्यूरेशन बढ़ चुकी है, आपकी जो मेडिकल कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने सोराइसिस को यहीं ठीक कर लें, यानी आप सोराइसिस को सोराइटिक अर्थराइटिस ना बनाएं, आप उसको सोराइसिस में ही ठीक करें। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ गया सोराइटिक अर्थराइटिस क्या है। अब इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया इसके नाम में सोराइटिक अर्थराइटिस, तो इसके सिम्टम्स भी ये हैं कि आपके जॉइंट्स में आपको दर्द महसूस होगा, रेडनेस आ जाएगी, उनपे लाली आ जाएगी और स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होगी कि अर्ली मॉर्निंग में आप अपने जॉइंट से कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और इन लक्षणों को अगर आप देख रहे हैं, साथ में आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, तो आप सोराइटिक अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं। अब आपको इसको डायग्नोस करना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही डायग्नोसिस देंगे कि हाँ आपको सोराइटिक अर्थराइटिस ही है या कुछ और है। अब बात आती है कारण की, तो कारण भी आपको पता चल गए हैं क्योंकि मैंने अभी बताया ये सोराइटिक अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस अनट्रीटेड रह गया है जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी डिजीज़ हो उसका ट्रीटमेंट अगर आपको पता है, आपको पता है कुछ प्रिवेंशंस जिसकी मदद से आप अपनी उस डिजीज़ को ठीक कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन की। तो प्रिवेंटेशन की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट से हटा देना है जो भी इन्फ्लेमेटरी हैं। आपकी सोराइसिस भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, आपकी अर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी इनमें आपको सूजन का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर आप इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हैं जो सूजन बढ़ा सकते हैं तो आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो ऐसे में आपको ऐसे सभी फूड को हटा देना है जिनकी वजह से आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में सूजन आए, तो आपको इन्फ्लेमेटरी फूड्स को हटा देना है। नंबर टू, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऐड ऑन कर लेना है, यानी ऐसे फूड आइटम्स जो आपके जोड़ों में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हल्दी ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, ये दोनों ही बहुत अच्छा ऑप्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का। और जब आप इनको अपनी डाइट में डेली बेसिस पर इंक्लूड करेंगे
तो आप डेफिनेटली देखेंगे आपका जो ये सोराइटिक अर्थराइटिस है धीरे धीरे कम होगा, जो सूजन आप फेस कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। नंबर थर्ड, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स को इंक्लूड करना होगा। सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड उतने ही बेनिफिशियल होते हैं जितने कि अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। अब आप सोराइटिक अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आप दोनों ही डिजीजेस को ऐसी फेस कर रहे हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाते हैं। इसके लिए आप अखरोट बादाम भी खा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी डाइट में देखेंगे पालक है, मेथी है, बथुआ है, इन सब में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। और आप एक बार गूगल सर्च करें, और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं जिनकी मदद से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स को भी सर्च कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको अपनी बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वीडियोस को भी देखें। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब आपने डाइट में बदलाव कर लिया, लेकिन क्या डाइट में बदलाव करने से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, आपको अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा, आपको अपनी दिनचर्या को भी बदलना होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, इससे आपके जॉइंट्स में भी मूवमेंट बनेगी और आप अर्थराइटिस में होने वाली जो स्टिफनेस है उसमें भी रिलीफ पाएंगे। साथ ही साथ आप योगा जरूर करें, और इसके बाद आप अगर हैवी वेट रखते हैं तो आपको अपने वेट को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके जोड़ों पर अगर आपका वजन पड़ता है तो उनमें और ज़्यादा कमजोरी आती है। सपोज़ अगर आपके नी जॉइंट्स में आपको सोराइटिक अर्थराइटिस है, या आपके हिप जॉइंट में आपको सोराइटिक अर्थराइटिस है, तो जो आपकी अपर बॉडी है इसका पूरा वेट आपके जॉइंट्स पर पड़ेगा, और इसकी वजह से आपके जोड़ों में और ज़्यादा दर्द बनेगा, और ज़्यादा सूजन आएगी, और ज़्यादा आप सफ़र करेंगे। तो आपको अपने वेट को भी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग रखना है, ना तो आपका वेट ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा कम हो। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी सोराइटिक अर्थराइटिस डिजीज़ को अच्छे से मेंटेन करेंगे और क्योर करने की ओर कदम बढ़ा देंगे। अब इसके बाद सवाल आता है, क्या ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ठीक हो जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करी। ट्रीटमेंट भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितनी ये सारी चीज़ें। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सोराइसिस को बहुत जल्दी ठीक किया जा रहा है, और साथ ही साथ सोराइसिस को अच्छे से मैनेज भी करा जा रहा है। और सोराइटिक अर्थराइटिस में भी हम यही देख रहे हैं कि पेशेंट्स अच्छी रिकवरी देखने को हमें उनमें मिल रही है, और साथ ही उनकी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो उनको जो जोड़ों में दर्द है, स्टिफनेस है, उससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, और वो धीरे धीरे सोराइसिस से फ्री हो रहे हैं। अगर आप किसी भी टाइप के सोराइसिस को फेस कर रहे हैं, या आप किसी भी टाइप के अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी में इन सभी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब टाइप्स ऑफ सोराइसिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले आप किस टाइप के सोराइसिस को फेस कर रहे हैं। आप उस वीडियो को देखें, उससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको यह जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।